नमस्कार। आज मैं आपको जुखाम को भगाने के लिए एक ऐसा काढ़ा बनाना बताऊंगी कि आपको पूरी सर्दी जुखाम नहीं होगा। मुझे तो शुरू शुरू में हो गया। कल मैं ऑफिसर मेस गई थी, वहाँ उन्होंने पता नहीं क्या अगरबत्ती जलाई मच्छरों के लिए कि उससे मेरे को एलर्जी हो गई। बस घर आते आते तो नाक से पानी, गला खराब, गले में दर्द और बुखार जैसा ऐसे लग रहा था, आँखें जल रही थी। तो मैंने रात तो जैसे तैसे काटी। सुबह होते ही मैं गिलोई लाई, मेरे आसपास गिलोई की काफ़ी बेलें लगी हुई हैं और तुलसी भी मैंने बहुत सारी लगा रखी है। मुलेठी घर में थी और काली मिर्च, तो इनको मैं अभी आपको काढ़ा बताना सिखा रही हूँ कि इसको एक पानी लो, एक कप पानी, तो उसमें ये गिलोई और मुलेठी और अदरक इनको कूट के और पानी में डाल दो। ये उबल रहा है, अभी इसका रंग चेंज हो गया है। ये देखिए अब तैयार ही है। ये जैसे उबलते उबलते आधा रह जाए तो इसमें ये काली मिर्च भी है तो काली मिर्च डाल दो। ये देखिए जैसे ही काली मिर्च डाली है तो इसमें एकदम से झाग से बनने शुरू हो गए हैं और रंग एकदम से चेंज हो गया है। काली मिर्च ने अपना असर छोड़ दिया, इसका मतलब इसमें। तो ये जब एक कप पानी अगर हम डालेंगे तो जब आधा रह जाता है तो उस टाइम इसको बंद कर दो। तो अभी तो मैं थोड़ी देर उबालूंगी। ये थोड़ा उबलते 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 अपना रंग भी गहरा होता चला जाएगा इसका और ये पूरा इसका सत्व निकल जाएगा, जैसे गिलोई का है, अदरक का है, तुलसी का है, मुलेठी का है। अगर हफ्ते में एक बार आप पी लो तो कभी जुखाम नहीं होगा। अगर मैं पहले पी लिया होता तो मुझे आज ये नौबत ना आती। रात तो सिट्राजिन लेके फिर सोई, तब थोड़ा सा मेरे को आराम मिला। लेकिन मैं दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ, देसी नुस्खों पर ही मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ और ये होते भी अच्छे हैं। तो अगर ये हफ्ते में आप एक बार ले लो तो वो आपको खांसी, जुखाम, बुखार के लिए तो गिलोई रामबाण है। चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, कोई सा भी बुखार हो तो उसके लिए गिलोई बहुत अच्छा है और नॉर्मल लाइफ के लिए भी इसको लेना चाहिए। तो अभी देखिए ये उबल उबल के आधा रह गया इसका पानी। मैंने इतना निशान भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना रखा था। और इस स्टेज में अब हम गैस कर देते हैं बंद और इसको हम छान लेते हैं। इस कप में मैंने छलनी रख दी है और इसको छान लेते हैं। अगर एक बार में कम देर आप उबालते हो तो इसको दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये है शहद। मेरे आसपास यहाँ काफ़ी पेड़ हैं और उनके बड़ी मक्खियों वाले शहद लगे हुए हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले तुड़वाया था, तकरीबन एक बोतल मैंने तुड़वाया था। तो ये मेरे पास अभी इतना बचा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध शहद है ये। ये देखिए तो थोड़ा शहद डालो एक चम्मच और इसको चम्मच से मिला लो। तो जैसे ही आपने गिलास में डाला और शहद डाला तो इसको चम्मच से मिला लीजिए और गरम गरम पी लीजिए, गला वला सब एकदम से खुल जाएगा। तो मैं भी अभी इसको पीने जा रही हूँ और आपको अगर बनाना हो तो इस विधि से आप बना सकते हो। धन्यवाद।